अरे क्या रे फ्लाइट कब खुलते कहू क्या हुआ अरे रूम में भर जा रही पब्लिक कोई भी छुट्टी को नहीं जा रहा हमाम में एक घंटा लगा दे रहे मालूम आज भी ऑफिस को लेट हो गया मैं अरे मामा बाथरूम में कोई ज्यादा देर बैठा ना सीधा वाईफाई बंद कर देना बाथरूम आ देखो कैसा खाली होते मैं वैसी करता हूँ हाँ फिर अरे क्या है कि भाई ये फ्लाइट कब खुलते बाप बस बस हो जा रहा मालूम अरे फ्लाइट खुल ले मामा तेरे को जाना है तो जा सकता है इंडिया कहेगा जाना वो 15 दिन के क्वारंटाइन है उतनी तो मेरी छुट्टी है खाली 15 दिन की वापिसी में आते हो तब पूरा क्वारंटाइन में निकल जा रहा मैं शादी को जाना है भाई पहले 3 बार डिले हो गया हाँ नौमान मस्त कर लिया देख मामा हाँ। यहीं से रह के ऑनलाइन निकाह कर लिया सीधा बीवी का वीजा निकाल लेके इंडिया जा रहा हाथों खुद ला ले रहा 15 दिन क्वारंटाइन का क्वारंटाइन हनीमून का हनीमून ओफो मस्त है भाभी आइडिया सिंपल का सिंपल वरना आजकल क्या आ जा रहा मालूम है जैसा जैसा टाइम बढ़ा ना वहाँ पे ख्वाहिशात बढ़े अम्मी हर बार को थोड़े थोड़े दिन को चेंज करते जा रहे तेरी शादी को ये करेंगे तेरी शादी में वो गाड़ी चेंज कर देंगे तेरी शादी में ऐसा कर देंगे वहाँ की पब्लिक स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रही मालूम है पब्लिक वहाँ लाइट लेके बोल दे रही 20-25 लाख होते भाई कते अरे भाई लोग कर रहे भी मालूम तेरे को तू जाके देखा ना फिर 23 दुकान रहती जिसमें ग्राहक भी ना कभी कभी दिखता 20-25 लाख की शादी वैसी कर रहे हैं और घर पे क्या बना ले रहे वहाँ के लोग अरे भाई नको पूछो घरों का तो वहाँ पे जो पब्लिक रह के बना ले रही ना हम लास्ट छुट्टी गए तो बाबा खाली क्या बोले पेंट कराना है ना बोले मैं जाके कोटेशन पूछा तो 1.5 लाख बोला मैं बोला खामो चुन्ना मार दे रहे भाई बोला मैं अरे भाई समझ के बाहर है कॉलेज में रहे जब 4 शादियां करेंगे बोल के सोचा था अब ऐसा हो गया 1 शादी हो गई तो बस है रे भाई हो रहा अरे ये क्या है रे भाई वो शिकारी की सिगरेट की डब्बी है वो शिकारी कौन अरे अपने नईम शिकारी अरे उसका नाम शिकारी है तेरे नहीं मालूम नहीं पट्टे को शिकारी बोलते कई को मालूम हाँ उन्हें कितना हद का कंजूस है मालूम तेरे को हम ना थोड़े दिन पहले वहाँ मॉल में घूम रहे तो वो परफ्यूम के टेस्टर ना लेके नहीं फिरते आदमी वहाँ पे दे लेते तो एक आदमी वहाँ पे महंगा परफ्यूम दे रहा था टेस्टिंग के वास्ते आदमी वो लेके लगा लिया 3 महीने तक मालूम है टी शर्ट नहीं धोया अपनी वो अभी एक हाईलाइट मालूम आपको अपने घर में एक बंदा रह रहा 3-4 दिन से खलेरा भाई बोल के ला लिया सो हाँ उसका दोस्त है वो दम्माम से आके होटल में रह रहा था क्या बोला उसको आधे पैसे मेरे को दे दे मेरे घर में रह ले बोल के ला लिया उसको अरे आज का कंजूस है रे भाई उन्हें अम्मा आ देगा तो से पूछता देगा आ जी भाई परसों पानी के मेरे को 2 रियाल देने के थे आप सही से आठवा तो खोलो उठते कि पैसे पैसे क्या कर रहे भाई नहीं यार कोई याद आया तो आँख खुल गई मेरी अरे आज 5 तारीख है ना उस्ताद तुम्हारे को 2 रियाल कम पड़े आपको तो मालूम ना उस्ताद तनखा आते की 100 रियाल रख के पूरी भिजा देते पन इंडिया सही है अच्छा तुम्हारा पूरा नाम क्या है उस्ताद नईम शिकारी शिकारी कहीं को बोले तो हमारे बाप दादा बहुत बड़े शिकारी थे ये शिकारी और भिखारी जरा मिलता जुलता नहीं दिख रहा क्या भाई कुछ भी नहीं भाई हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे यहाँ के हालात कैसे हो गए नहीं पन तो राइट हो जा रहे नेक्स्ट मंथ इंडिया बस बस हो गया लाइट ले रहे भाई नहीं ऐसी बोलता फिर वापस आता देख नहीं भाई अब तो पक्का चले आ रहा हूँ वहां जाके कुछ तो भी कर लेता हूँ क्या करते भाई नहीं भाई बाबा की छोटी दुकान है हाथ के नीचे 4 बच्चे है अपने को जाना है एसी डाल लेके बैठ जाना है आराम से ओके राइट भाई अच्छा भैया जाते देखो तेरा मेरा पार्सल रहता देखो इंडिया कैसा भी ले जाना अच्छा सुनो इंडिया से आते वक्त मेरा रहता देखो कैसा भी हाँ जरा ला लेना मैं नहीं आ रहा हूँ भाई वापस जहां गए आ रहे हो तो वहां देख लीजिए तुम्हारे ऐसे इज्जत से आते सो वापस क्या बटे अच्छा वो सब थोड़ा नाश्ते में क्या करना है बोलो रात कैच कर लेंगे हाँ भैया नाश्ता यार हो नाश्ता बचपन का रहता था जो कुछ रहता था अरे आदमी अब सेटी हो जाता फिर फ्लैशबैक में जाता अम्मा दूध रोटी ऐसा चूर के जबरदस्त ऊपर शक्कर डाल के गेट तक लाके खिलाते थे स्कूल को जाते वक्त अरे भैया इन्हें खुद की गाड़ी रख के लोगों के साथ आ रहा कौन ड्रॉप करके गया इसको आपको मालूम है उनकी गाड़ी कहाँ पार्क करो ना आजकल हाँ वो पीछे ऑफिस का खाली मैदान है हाँ वहाँ पार्क करके अरे क्या बोले तो जो है सर जब से अखारी जो है पार्किंग के पैसे उसमें डाल दिया ना किराए में किराए में जब से आदमी यहाँ पार्किश नहीं कर रहा तो फिर आ रहा कैसा है इन्हें ऑफिस के बंदों के साथ क्या बोला हमें गाड़ी बेच दिया बोल के फ्री के लिफ्टा मार रहा अरे हद कंजूस है ना रे भैया भैया आज खाना बनाने की बारी अपनी है क्या बनाऊं बोलो क्या खाते आज
बिरयानी बना दो उस्ताद। बिरयानी इंडिया में अम्मी हमारे क्या मस्त बनाते मालूम। बाबा 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 बा। याद करे तो खाली मुंह में पानी आ रहा मालूम। ये लंबा चावल चपटे बोटियां। मगर भैया जब तक तुम वहाँ थे अपने अम्मी के खाने की तारीफ करे। नहीं यार हम सोचते थे सब ऐसे बनाते बोल के, जब घर से दूर आए तो मालूम हुआ अहमियत। हाँ यार वहाँ के घर के खाने की अहमियत तो यहाँ बाहर आने के बाद मालूम होती। वहाँ पे रात का घर का खाना भी बासी जो है ना अच्छा दिखता था, मगर अम्मी खाने से नहीं देते थे यार वो। क्या बोले तो नहीं, गरम खाना, ताज़ा खाना, यहाँ के खाने, अपने रहने के तरीके अगर अम्मियाँ देख लिए ना बर्दाश्त नहीं कर सकते हो ना। सही बात बोले उस्ताद। लेकिन हमारे अम्मा को यहाँ की हालत मालूम हुई ना तो आजा बेटा यहीं कुछ तो भी कर लेंगे बोलते। लेकिन वही चक्कर हमारी बीवी को सुनाए ना, मेरे को बुला लो मैं अच्छा बना के खिलाती हूँ बोलती। भैया इसी बात पे आज खाना बनाना कैंसिल, मेरी तरफ से बाहर दावत है, चलो। कहाँ पे? अरे चलो तुम, मत जबरदस्त होटल है यहाँ पे, हारा में खुली जैतून बोल के खाएंगे, चलो। हाँ राइट, चलो। अरे मियाँ महंगी दिख रही ना मियाँ ये होटल। अरे चल मियाँ, सिर्फ दिख रही महंगी, प्राइसेस एकदम नॉर्मल है चल, और टेस्ट में पूरा हैदराबादी फीलिंग है। हाँ है। बिल कौन दे रहे भाई? मैं वॉलेट भूल के आया, देखो भाई। उसका हमेशा का ये देख रहे भाई, उसको भूल के आया नहीं बोलते, रख के आया बोलते। अरे नहीं भाई, तुम वैक्सीन ले लिए जी? नहीं लिया जी, कुछ तो भी ऑफर आया तो लूंगा बोल के रुका हुआ हूँ। अरे काय का ऑफर जी, फ्री में दे रहे ना? नहीं कुछ तो भी पैसे दिए तो जाके लूंगा बोल के रुका हुआ हूँ मैं। हाँ थोड़े दिन ठहरो, आराम आता तुम्हारे को। अरे मामा शाह कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला करते उस्ताद। सीवी डाल दूं मैं वहाँ पे? अरे नहीं यार वहाँ पे रिग्गा चलना जरूरी है, सीवी दिए तो कॉफी के नीचे रख देंगे, भूल जाते वो लोग। अरे नहीं मामा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है कंपनी में, इतना साले ये खामा रिन्यू करते कि नहीं की, इसलिए मैं छुट्टी होने जा रहा हूँ। ऐसा? और परसों लाके को हायर करे नए पोटे को, चीन चाय साला, मैं इसलिए छुट्टी कूदने जा रहा हूँ। मैं छुट्टी के आना, उन्हें मेरी सीट पे बढ़ जाता फिर। ऐसे पोटों को फ्री नहीं कर लेना। हाँ। अपने से काम सीख के अपने कुछ हैंडल देते। अरे अज्जू भाई कल 4 बजे मेरे को ऑफिस से पिक कर लो उस्ताद, मेरी गाड़ी खराब हो गई तो सर्विस को दे के आया। राइट, 4 बजे मैं नीचे आके मिस कॉल देता हूँ, आ जाना। बचपन में 4 बजते स्कूल छूटने की क्या खुशी रहती थी यार। बैग, टिफिन, वाटर बॉटल सब जमा ले के घंटी बजने से आधा घंटा पहले रेडी ही बैठता था मैं। UKG में था देखो उस्ताद, मैं अम्मा आते थे स्कूल को लेने के वास्ते, क्या खुशी रहती थी, आधा घंटा पहले आके ठहरते थे अम्मा, कहाँ मेरा बच्चा परेशान हो जाएगा निकल के बोल के। मैं था स्कूल से निकलते कि मामा अम्मा बॉटल बैग सब ऐसा ले लेते थे मालूम, मैं वजन नहीं उठाना बोल के, और हाथ पकड़ लेके एक सवाल करते थे उस्ताद, और बेटा आज क्या क्या पढ़े स्कूल में बोल के। कहानियाँ सुनाते सुनाते रास्ता कब कट जाता था, घर कब आया था समझ में नहीं आता था। आओ मामा। वक्त क्या गया उस्ताद? अरे यारो फ्रिज में रमजान की हलीम कौन भी नहीं निकाले यारो, अब तक रखी हुई थी, मैं परसों फेंका मालूम। अरे क्या उस्ताद तुम ऐसा भाग क्या रहे? भाई नीचे पुलिस वाले है चेकिंग कर रहे। तो कहीं को डर रहे तुम्हारे पास देखामा है ना? हाँ है, लेकिन अरबी किसको आती है यहाँ पे समझ में नहीं आया मेरे को, भाग के आ गया। अरे जाओ भाई तुम इंडिया को जाओ। हाँ जा रहे चपन, साले को बोल दिया, साला मस्त बिजनेस कर रहा करते मास्कों का, इन्वेस्ट करना है प्रॉफिट अपन उठा लेना। तुम इन्वेस्ट कर रहे? साले के पास से हाथ बदल 2 महीने पहले लिया मैं, उसके पास से लिया, उसी के पास इन्वेस्ट करना है, बाद में अपना प्रॉफिट अपने को। अच्छा सुनो, जाते वक्त मैं 2 लैपटॉप दे दूं, जरा घर पे दे दो पार्सल। हाँ अरे मियां तुम लास्ट मंथ जो ऑनलाइन ऑर्डर करना। अरे हाँ यार ऑनलाइन ऑर्डर करा था वहाँ पे, नहीं समझ में आ रहा कहते कि ऑनलाइन क्लासेस के बच्चों से बहुत दम हो जा रहा है और नया खर्चा लग गया। इससे पहले तो मोबाइल भेजा, उसमें नहीं समझ में आ रहा बोल रहा बच्चा, उसके बाद टैब दिलाया, टैब में नहीं हो रहा पापा बोल रहा उन्हें, अब लैपटॉप होना बोल के उसको 1 लैपटॉप भेजे तो उसके बाद की लाइन लग गई, दोनों को भी बाकी के लैपटॉप होना कहते। खर्चों में खर्चा नया खर्चा हो गया उस्ताद, ये फीस उतनी छे ये नया खर्चा एक लग गया मालूम। हेडफोन तो बच्चे ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जामों में, बेगम परसों मेरे क्या बोल रहे हैं, अब सीधा 20 का पैक भेजोगे थे,
अपन स्कूल में रहने सुबह सुबह एक नटराज की पेंसिल ले आते थे देखो, वैसा अभी लोगों को क्लास में बिठाते तो एक नया हेडफोन देना है मालूम। इतने मुश्किलों से इतना महंगा इन लोगों को पढ़ाए बाद भी मेरे को जरा समझ में नहीं आ रहा इन लोगों के ऑनलाइन पढ़ाया कैसे हो रहे। पर तो हमारे पोटे को 5+5 पूछे तो 55 पापा बोल रहा। क्या बोलना बोलो। चलो भाई मैं खाना निकाल रहा हूँ, सबके हाथ से अंडा तल दे रहा हूँ। भाई मेरा अंडा नको तलो आप। कहीं को मेरा अंडा मेरे को दे दो आप। मुर्गी निकाल दे होंगे। और नहीं भाई खैरियत जी भाई। मेरा सिगरेट तो पिलाओ। सिगरेट छोड़ दिया अपन। अच्छा लास्ट वीक अपन टैंकर दिलाए थे बिल्डिंग में, सब जने काउंटी कर दिए थे, तुम पैसे दिए उसके? पानी यूज ही नहीं कर रहा हूँ मैं। तुम बाथरूम नहीं यूज करते? नहीं। तुम नहाते नहीं सुबह में? ऑफिस में टॉवल रख लिया मैं, फ्री का साबुन है वही नहा ले रहा हूँ मैं। क्या बात है भाई, हद है। क्या कर रहेगी मामू, जरा एक सिगरेट तो पिलाओ उस्ताद। अजू भाई एक सिगरेट मेरे को भी। अरे तुम छोड़ दिया ना उस्ताद। उन्होंने खरीदना छोड़ दिया जी, पीना वैसी चे। क्या यार हो, पिछले एक महीने से अपने घर में चूहा फिर रहा, रोज रात में निकल के आ रहा हूँ। आज क्या कर रहा हूँ मैं, जाली डाल के आया हूँ, आप पकड़े आता आज। हाँ जबरदस्त काम करे उस्ताद। अच्छा अरे फैज भाई ईद में क्या पहन रहे? ईद तो इंडिया में दिखती थी मामा, क्या रौनक रहती थी मालूम। बावा चांद रात पे कुर्ता पैजामा बनीन टोपी, यहाँ तक के चड्डी भी ला के रखते थे। अब ईद पे वो रौनक ही नहीं दिखती मियाँ। वो सब जने मिल के नमाज को जाते थे, वो इतर की खुशबू। जैसा जैसा अपन बड़े होते ना मामा, बाप से थोड़ा दूरी आ जाती, एक हिचकिचाहट हो जाती बाप से, ज़रा मारते करते बोल के ज़रा एक डर आ जाता। अपन हर काम जो बाप से होने का रहता वो अम्मा के थ्रू कराते। ईद का एक दिन ऐसा रहता जिस दिन अपन ना बाप को गले लगाते। आज भी वो लास्ट ईद याद आती मेरे को कि काश मैं उस ईद के दिन अपने बाप को सीने से कुछ और लम्हों के लिए लगाता तो कितना अच्छा रहता था बोल के। मामू आवाज आई मेरे ख्याल से चूहा पकड़ गया। चल भाई 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 नको मारो उसको। कई को किराया लेता हूँ उससे भी। सुबह में स्कूल को जाते कर ऐसा ऐसा दो दाल लेके जाते थे, आते कर स्कूल ऐसा दाल वाटर बॉटल लेता फिरा लेते गिर 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 गिर। अच्छा तुम देखे सुबह में रोज जाते कर पेंसिल नहीं रबर नया, आते कर पेंसिल गायब रबर गायब, फिर सुबह में फिर पेंसिल लियो। चलो पूरा दे देना ना, पूरा दे दो। अब जाने मन जाने जा, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे, चस्सा मेरा प्यार है। दो महीने पहले हाथ बदल ले लिया, उसी के पास इन्वेस्ट करना है। क्या बात है भैया, लेवल है इनका। तू डालना रे ये। कुछ भी नहीं, अब हमारे फैज भाई बोलते उसके बाद में बोलते। आजकल रोज सुबह में एक नया हेडफोन देना है। हाँ क्या फर्जी ऐसी होते। देख इनको देखते किसी ना कहता हंसना ही नहीं। वो बाजीगर में जाने नहीं होना देखा। बाबूलाल बाबू नईम शिकारी हमारे बाप दाड़ा 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 दाड़ा। चलो अच्छा कौन कौन खा रहे भाई, मैं खाना निकाल रहा हूँ। भाई मेरा अंडा नको तो लो। अरे बोल रहे तो उन्हें अंडा बोल रहे थे, उन्हें अंडा बोल रहे थे। मुर्गी निकालते होंगे।
अपन शिकारी है अपन।